नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। किसानों की महापंचायत है आज, इको गार्डन में ये महापंचायत आयोजित होगी। बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। एमएसपी पर कानून की बात होगी। संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति तय करेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, किसानों की महापंचायत है आज, इको गार्डन में आयोजित महापंचायत होगी। बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। एमएसपी पर कानून की बात होगी। संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति तय करेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाहिद जी, किसानों की महापंचायत होगी, इको गार्डन में महापंचायत आयोजित की गई है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे रितु, आज किसानों की महापंचायत का आयोजन लखनऊ में इको गार्डन में हुआ है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत सहित तमाम किसान बड़े नेता इको गार्डन में है। और इको गार्डन में महापंचायत में ये तय किया जाएगा कि जो किसान बिल वापस हुए हैं उनकी क्या शर्तें रहेंगी और संसद के शीतकालीन सत्र में इसको पारित कराया जाए और एमएसपी पे एक गारंटी का कानून बनाया गया। इन तमाम मुद्दों पे आज इको गार्डन में किसान महापंचायत हो रही है और किसान महापंचायत के तहत ये भी किसान डिसाइड करेंगे कि आगे किसान महापंचायत जारी रखेंगे, किसान आंदोलन खत्म करेंगे। ये तमाम मुद्दे आज लखनऊ से निकल के आएंगे और केंद्र सरकार के पास पहुंचेंगे। और मानसून सत्र में, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मानसून सत्र स्टार्ट हो गई है, किसान बिल वापस लिया जाएगा, एक कानून बनाया जाएगा और क्या क्या कानून बनाया जाएगा वो किसान महापंचायत में आज तय होगा। शाहिद, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। किसानों की महापंचायत होनी आज इको गार्डन में महापंचायत है, जो कि बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। एमएसपी पर कानून की बात होगी। संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति तय करेगा आज।